अस्सलाम वालेकुम नजर चौहान आपके साथ फोर्स जर्सी से रबते में। आज यहाँ बड़ी बारिश हो रही है, कल टोरंटो से दोस्त कह रहे थे स्नो स्टॉर्म आया है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड आज वीकेंड तक शायद चलेगी, तो आई थॉट शेड के अंडर की जाए। अंदर बड़ा अजीब सा गुडन सी महसूस होती है और आप भी नेचुरल नज़ारे में मेरा वी लॉग देखें। मैं नेचुरलिस्ट हूँ, स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, नेचर के साथ रहना चाहता हूँ। आज आपने देखा 23 मार्च की परेड भी हुई और चोरों को सिविल अवार्ड भी दिए। उन सारे चोरों के ब्यूरोक्रेसी में जो चोर हैं, मैंने नाम बताए हुए हैं उसमें ट्विटर पर ये मेरे कलीग होते थे, बड़े चोर फ्रॉड फवाद हसन फवाद, जिसने अरबों खरबों के डाके लगाए, NRO के तहत छोड़ा गया और खैर सिविल अवार्ड्स की वैल्यू कोई नहीं है। मतलब ये तो एक अपने झूठेपन का, ये मसनूई चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल हैं। जैसे मैंने कहा था गैरी ज़ुकाफ ने सीट ऑफ द सोल में कहा कि ये जो पावर लोग परसू इधर कर रहे हैं, फेम पावर और ये वेल्थ का, ये आर्टिफिशियल है सारा। असल स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो रोशनी वाले लोगों में हैं, दैट इज़ अ रियल पावर, दैट इज़ एन ऑथेंटिक पावर, और वो सही रोशनी है। तो देखें जी, जरदारी भी उधर मुर्दा सा खड़ा था, मर रहा था, ये सारे लोग देखें। आप एक बहुत बड़ी गलती पे हैं, आप सबका फोकस अभी भी फौज नहीं है। इमरान खान इशारों कनाओं में सारी बातें कर रहा है, उसने कहा कि जनाब साहब अपना जो है बयान जो दिया है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम पाकिस्तान को जमहूरियत और कानून के मुताबिक चलाने के पाबंद हैं सारे, उसके लिए हम सारे तहरीक चलाएंगे और सारे उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और उन्होंने गालिबन उसमें KPK के चीफ मिनिस्टर का भी कहा है, क्योंकि वहाँ इमरान खान अपना KPK में PTI की हुकूमत है। मैं आपको बताऊं, कल का मेरा वीलॉग तो 25,000 व्यूज़ ले गया, उसने लेने थे क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बताया कि असल में आपके मुजरम कौन है। फोकस आपका सिर्फ 7 लाख मादरचोद सुअर होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप ये जंग हार गए हुए हैं अगर आपका वो फोकस ना रहा। वो आपको आपस में लड़ा के, आज कोई शेर अफजल मरवत ने अफरीदी की हिमायत में दे दिया कि उसने 9 मई का नहीं कहा, चलो भाई वो 9 मई का बताता, इधर मैं शेर अफजल मरवत को क्रिटिसाइज करता हूँ, इट्स रॉन्ग। सिर्फ उसने पख्तून होने के नाते, आपस में कनेक्शंस बनाने के नाते ये किया है। बैरकैप जो भी है वो आपस में आपको लड़ा रहे हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह, ख्वाजा आसिफ, इन सब की ड्यूटियाँ हैं कि पूरी कौम को तकसीम किया जाए, पूरी कौम को लड़ाया जाए, मज़हब की बुनियाद पर, शिया सुन्नी, सियासत की बुनियाद पर, पीपल पार्टी, PTI और ये सारे, और ये हराम ज़ादे कुत्ते माधरचोद सुअर इंजॉय करें। सारी पावर्स इनके पास हैं, ईच एंड एवरी अपॉइंटमेंट इज मेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द GHQ हेडक्वार्टर्स। आज क्यों नहीं नवाज गांडा परेड पे आया? उसको पता था, शर्मिंदगी थी नवाज गांडे को कि यार मैं चौथी दफा वजीर आजम बनना था, ट्यूमर वाली है, इनको शर्म नहीं आती है माधरचोद सुअर चरनेलों को, ये पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल यकीन करें, इस चीज का इदराक ही नहीं है कि यू आर लूजिंग एवरी पासिंग डे। मैं आपको बताऊं, ये मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो देखें ब्लड प्रेशर चढ़ाता हूँ, इधर बैठा हूँ, घर सील हुए हैं, YouTube डीमोनेटाइज हो गई हुई है, बट डजंट मैटर फॉर अ स्पिरिचुअलिस्ट लाइक मी, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। मैं इनकी टुई मारता रहूंगा, एक वाहिद पाकिस्तानी 25 करोड़ में से ओवरसीज में भी मेरी तरह इनकी कोई टुई मार नहीं मार रहा है, अजीब है। मेरे दामाद ने वैसे कहा था, आपको देख के मेरा बड़ा दिल कटा है, मैं भी वीलॉग करूं और इनके टुई मार। यार मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ ये कुत्ते हरामजादे 7 लाख सुअर आपके दुश्मन है। आपका ना इंडिया दुश्मन है, ना तालिबान दुश्मन है, ना ईरान दुश्मन है, सिर्फ ये दुश्मन है। इन्होंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हुए हैं,
अब इकोनॉमी वायबल ही नहीं रही है टू सस्टेन। आप क्या 500 रुपए लीटर पे पेट्रोल खरीदेंगे? 500 का डॉलर हो जाएगा। ये पाकिस्तान को तोड़ने के चक्कर में है, इनकी बला से। एक आदमी हराम ज्यादा जो इलीगली अपॉइंट हुआ, काश इमरान खान ने उस वक्त स्टैंड लिया होता, सदर को इसको बनाने से रोका होता। ये भोले हैं सारे। मैंने तब बड़ी कोशिश की, बैरिस्टर अली जफर से बात की कि यार ये इलीगल है। नहीं जी, इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी। और इमरान खान ने फिर उसे वेलकम किया, और वो आदिल बाजे जैसे बंदों ने तो उसके तबर्रे पड़े, हाफिज़े कुरान आ गया, हाफिज़े कुरान। मैंने कहा मुझे इसके क्वार्टर मास्टर जनरल की करतूतें पता थी, पैसे शराब जनाकारी और हरामजदगियों की। मैंने कहा ये ज़िया का भी बाप होगा। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि लोग ये कुत्ता हराम ज्यादा ज़िया का नहीं सोचता, मुशर्रफ का नहीं सोचता। क्यानी व्यानी वो भी मर रहे हैं, बुरे हालात हैं इनके, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। एक इतना खूबसूरत मुल्क इन्होंने ट्रस्ट ब्रीच किया है। ट्रस्ट ब्रीच करने वाले काबिले कत्ल होते हैं। वो किसी ने मुझे गालियों का, यार आप अजीब बात करते हैं। मैं अगर किसी से लड़ने जा रहा हूँ, जंग करने जा रहा हूँ, मैं उसको कहूँगा आइए मौलाना साहब, सैयद रूमी हजरत, लड़ाई ना लड़ने हम। मैं कहूँगा तू मदर चो, तेरी माँ का कुछ आ इधर सामने, मैं तुझे ठोकूं, कुत्ते हराम ज़्यादे, मैं तुझे मारूं। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है मुझे दैट यू हैव लॉस्ट 25 करोड़ कुत्ते। लोग किस तरह लूज कर रहे हैं, सोई हुई कौम। मैं न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लाइब्रेरी पढ़ने जाता हूँ। क्या मुल्कों छोटे छोटे कुद्दू से हेटी, हेटी में यूएस कल हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किए, कुछ यूएस के लोग रेस्क्यू किए। सिर्फ 11 मिलियन लोगों ने अपने मुल्क पे कंट्रोल ले लिया है, ठीक है ना जी। ये 250 मिलियन चुतड़ ऊपर करके आओ जी आओ, 7 लाख मादर चौथ सुअर हमारा टूआ मारो। वो ठीक किसी ने कहा था वो ब्रिज के सामने, ये कहेंगे कि बंदे ज्यादा रख रहे हैं। और यार एक एक फौजी एक एक मोहल्ले में कोई हजार हजार आदमियों के टूहे मारने पे लगा दिया जाए, बल्कि लाख लाख आदमियों के, बड़े खुश होंगे आपके टूहा बड़ा अच्छा बचा है। और खुदा का खौफ करो, मर गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रामे उन्होंने आज किए वो तो अपना चला ही जा रहे हैं। कल उन्होंने एक और पीटीआई का बंदा भड़का दिया। क्या कर लिया आपने? आप कुछ नहीं कर सकते। यही 23 को कहा था शेर अफजल मरवद ने, मैं जी इस्लामाबाद एहतजाज करूंगा, अगलों ने तबाही फेर दी। आपको कम से कम यार जो कुछ आप कर सकते हैं करें। आप तो मेरी ट्वीट्स कोई 1 लाख कर दें, 1000 नहीं आप लोग रीट्वीट कर पा रहे हैं इन मादरचोद सुअरों के खिलाफ। ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी ट्वीट्स रीट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उनकी जान निकली हुई है, यूट्यूब को मेरे खिलाफ, एक्स को मेरे खिलाफ 40-40 परलू लिखते हैं, वो मेरे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर विद यूट्यूब फॉर मनी, ओके आप ना ऐड दें, ऐड बंद हो रहे हैं हमारे। मैंने कहा जी खत्म कर दें, मेरे से मुआहदा खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं मेरे वीलॉग बगैर ऐड के आ रहे हैं, इसी तरह मेरे घर के। आई डोंट, दीज थिंग्स हार्डली मैटर फॉर मी। आई लव टू प्ले अ लार्जर देन लाइफ रोल लाइक इमरान खान। ये बंदे होते हैं जिन्होंने तारीख के रुख बदले हैं। अल्लाह ताला ने इनको इस काम के लिए मामूर किया और नवाजा है। ये जरदारी जैसे जिनकी टट्टी और पेशाब परेड में ही निकल जाता है, ठीक है ना। एक ही मुंह से आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, एक ही मुंह से गाली निकल रही है, और नीचे से मोरी से पद भी निकलता है, ठीक है ना। अच्छा टट्टी क्या है? टट्टी भी तो इंसान करता है ना। अच्छा जी टट्टी ना करें। चूतिये हैं हम, चूतिये हैं, भज्जे गोए के दिमाग वाले लोग हैं। फोकस सिर्फ और सिर्फ फौज, फौज के अलावा आपका फोकस ही नहीं कोई शख्स होना चाहिए। साथ देखें, इस दफा नाना ये मारे गए, हमेशा दे गॉट अवे विद इट। 97 का क्राइसिस दे गॉट अवे विद इट, ठीक है जी। और अब जोन सा है ये आरसीओ, और ये दे आर गेटिंग अवे विद इट, दे आर गेटिंग अवे विद इट
ब्यूटीफुली। और मैं आपको बताऊं, ये जो बातें करते हैं, क्या खामोश रहना रहना एक्सेप्टेंस नहीं है? ऑफ बदमाशी, ऑफ फ्रॉड, ऑफ हरामजदगी, एक्विजेंस। एक्विजेंस किसे कहते हैं? लॉ में हमारे, अगर आप खामोश रहते हैं, इसका मतलब है आपकी पैसिव, आपकी टैसिट अप्रूवल है। अगर आप खामोश रहते हैं, टैसिट अप्रूवल है। आप सब 25 करोड़ कसूरवार हैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में। मैं आपको बता दूं, 1100% आप सब मसरूफ हैं। अल्लाह ताला आप पर अपनी लानतें और अपनी सारी जौन सी हैं अजाब आप पर नाजिल करेगा, और कर रहे हैं आप पे अजाब। आप खुशी से टुआ उठा के 7 लाख से मरवा रहे हैं। काइंडली अंडरस्टैंड करें, कोई आपका एनिमी नहीं है। कोई ट्वीट शेर अफजल मरवत किसी पे ट्वीट ना राना सनाउल्लाह शनाउल्लाह करते हैं। 7 लाख मदरचोद सुअरों पे मैं 100 मीमीज रोज रोल ओवर करता हूँ ट्विटर पे इन दलों के खिलाफ। अपना बहुत ख्याल रखें कल तक के लिए। मैं अब एक ही वीलॉग किया करूंगा, बिल्कुल फजूल है वीलॉग करना। मैं पढ़ 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 बोलता रहूं और आप उसी जगह पी 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 पी। अपना बहुत ख्याल रखें कल तक के लिए। इजाजत, अल्लाह ने।